हेलो लेजेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश चैप्टर रिव्यू के ब्रांड न्यू एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम क्लास 10 FWF के चैप्टर नंबर 9 द बुक दैट सेव्ड द अर्थ को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। इसके राइटर का नाम है क्लेयर बॉयको। वेल, ये कहानी पास्ट की नहीं बल्कि फ्यूचर की है, 25th सेंचुरी की। अभी चला 21st सेंचुरी, यानी कि आज से 400 साल आगे की ये कहानी है, ये जो ड्रामा है। तो फिर यहाँ पर कैरेक्टर्स तो होंगे ना, तो फिर ये है कैरेक्टर्स के नाम जो कि तुम पढ़ सकते हो। अब तुमने पढ़ा होगा कि हिस्टोरियन के अलावा जितने भी नाम है वो थोड़े से अटपटे लग रहे हैं। यू आर करेक्ट, वह इंसानों के नाम नहीं बल्कि मार्स के क्रिएचर जिन्हें हम एलियन कहते हैं उनके ये नाम है। इस कहानी में बताया गया कि किस तरीके से जो मार्स पे रहने वाले एलियंस हैं वो अर्थ पे इन्वेजन यानी कि आक्रमण करने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन एक सिंगल बुक उन्हें ये करने से रोक देती है। तो फिर एक ड्रामा कहाँ पर होता है, एक स्टेज पे, वहाँ पर कर्टेन लगी हुई होती है एंड सामने ऑडियंस होती, सब कुछ मौजूद है। जो कर्टेन है वो ऊपर होती है, वहाँ पर हमें मिलती है एक हिस्टोरियन, हिस्टोरियन जो कि एक टेबल के ऊपर बैठी हुई होती है एंड उसके साइड पे नीचे रखा होता है एक मूवी प्रोजेक्टर। वो हिस्टोरियन खड़ी होती है, ऑडियंस के सामने झुकती है एंड उन्हें कहानी का प्लॉट समझाती है। 20th सेंचुरी मतलब कि आज से 100 साल पहले एंड कहानी के हिसाब से 500 साल पहले का टाइम। उसे एरा ऑफ द बुक्स यानी कि किताबों का ज़माना इसलिए कहा जाता था बिकॉज वो ना सिर्फ हमें नॉर्मल जानकारी जैसे कि एंट ईटर्स टू जुलूस। अब यहाँ पर देखो बहुत ही मस्त चीज़ है, एंट ईटर्स ए से शुरू होता है, जुलूस जेड से शुरू होता है। हम बोलते हैं ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। साथ ही वो हमें सिखाते कि कैसे, कहाँ, कब और क्यों क्या करना चाहिए। साथ ही वो हमें इल्यूस्ट्रेट करती है, समझाती कैसे करना है। वो हमें एडुकेट करती है, हमें शिक्षित करती है, हमें पंक्चुएट करती है, हमें पंक्चुअल बनाती है एंड जो सबसे स्ट्रेंजेस्ट चीज़ किसी बुक ने की है तो वो है अर्थ को इन्वेजन से बचाना। फिर वो बताती है यह है मार्सियन इन्वेजन ऑफ 2040 जो कि एक्चुअली कभी हुआ नहीं था, लेकिन एक बुक ने ये सब होने से रोक लेता। सब लोग अपने तुक्के लगाने लगे कि कौन सी बुक होगी, कौन सी बुक होगी, यहाँ पर नाम लिखे हुए, लेकिन वो कहते कि ये सब गलत है। फिर उस हिस्टोरियन ने अपने हिस्टोरीस्कोप को ऑन किया एंड बताया कि एक्चुअली 2040 में हुआ ही क्या था। तो अब रियली मेन ड्रामा स्टार्ट होता है। यहाँ पर एक एलियन जिसका सिर एकदम अंडे की तरह बड़ा सा था, उसका बारे में लिखा हुआ तुम पढ़ लेना, ठीक है। उसका नाम था थिंक टैंक, उसके आगे बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई लेकिन हम इसे बोलेंगे थिंक, ठीक है। उसके पास में एक बंदा खड़ा था जिसे बोलते अप्रेंटाइस नूडल, जिसे मैं सिर्फ नूडल ही बोलूँगा। उसके हाथ में एक स्विच बोर्ड था जिससे वो कुछ कंट्रोल कर रहा था। जो नूडल था वो थिंक टैंक से अपने ऑर्डर्स मांग रहा था। वो थिंक टैंक उस पर गुस्सा होता, कहता कि मुझे ढंग से वेलकम करो, यानी कि अच्छी तरह से गाकर मुझे वेलकम करो। फिर वो अच्छी तरह से गाता एंड उसका वेलकम करता, यानी कि अच्छी खासी तारीफ करता उसके सामने, ठीक है। फिर ये सुनने के बाद में थिंक कहता है कि मैं इस छोटे से अजीब से रिडिकुलस प्लैनेट पे कम्युनिकेट करना चाहता हूँ एंड इसको अपने महान शासन के अंदर लाना चाहता हूँ, यानी कि इस पर राज करना मैं चाहता हूँ। फिर उसने नूडल से पूछा कि इस अजीब से प्लैनेट को कहते क्या है। नूडल कहता है कि मालिक इसे अर्थ बोलते हैं। नूडल बताता कि जो अर्थ है ना ये इनसिग्निफिकेंट प्लेस है, यानी कि इतने इम्पॉर्टेंट प्लेस नहीं है। फिर जो थिंक टैंक है वो कहता है कि मेरा मिरर लेके आओ, मेरे को अपने आप को देख। फिर वो अपने आप को इस मिरर पर देखता, एडमायर करता एंड कहता कि कौन है सबसे ग्रेटेस्ट, कौन है सबसे इंटेलेक्चुअली एंड अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर लिखी हुई, ठीक है मैं नहीं बोलने वाला। तो पूछता कि कौन है ये। थोड़ी देर की पॉज के बाद में ऑफ स्टेज यानी कि पीछे से आवाज़ आती है, आप और कौन मिस्टर थिंक टैंक। फिर खुद को थोड़ी देर बाद में मिरर में एडमायर करने के बाद वो पूछता कि क्या हम मार्सियंस हैंडसम रेस नहीं है। हैंडसम रेस यानी कि क्या हम एक सुंदर जाति के लोग नहीं है क्या, हम मार्स पर रहने वाले लोग। फिर नूडल कहता है कि क्यों नहीं, हम मार्सियंस तो उन अगली गंदे अर्थलिंग से तो बहुत ही सुंदर जिनके सिर बहुत ही छोटे। नूडल की बात सुन के वो खुश हुआ एंड उसने कहा कि नूडल अगर तुम इतनी और एक्सरसाइज करोगे ना तो फिर एक दिन तुम्हारा सिर भी मेरी तरह एकदम बैलून की तरह बड़ा हो जाएगा, यानी एक समय तुम भी मेरी तरह ही इंटेलिजेंट हो जाओगे अगर तुम और भी एक्सरसाइज करोगे। फिर थिंक कहता है कि जल्द से जल्द कम्युनिकेट करो स्पेस प्रोब के साथ में एंड मुझे लंच से पहले इस गंदी सी पुरानी मिट्टी के प्लैनेट जिसे लोग अर्थ कहते हैं इस पर आक्रमण करना चाहिए। फिर नूडल अपने स्विच बोर्ड के कुछ लीवर्स को ऊपर नीचे करता एंड बहुत ही तेज आवाज़ आने लग जाती, तब ही कर्टेंस ऊपर हो जाते हैं। कर्टेंस ऊपर होते हैं एंड सीन दिखाया जाता है मार्स स्पेस कंट्रोल एंड सेंट्रल वाइल्ड पब्लिक लाइब्रेरी का। यहाँ पर कैप्टन ओमेगा एकदम सेंटर में खड़े होते हैं एंड वो एक कंफ्यूज्ड फैशन में ड्रॉवर को ओपन क्लोज कर रहे होते हैं एंड अपने कैटलॉग्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर लेफ्टिनेंट आयोटा होते हैं जो बुक्स को काउंट कर रहे होते हैं। फिर सर्जेंट ऊप होते हैं जो बुक को ऊपर नीचे से देख रहे होते हैं, उसे अपसाइड डाउन कर रहे होते हैं, साथ ही बुक्स को क्लोज ओपन कर रहे होते हैं, यानी कि सारे एलियंस का इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिखाया गया कि वो क्या कुछ कर रहे थे उस जगह पर।
जो नूडल है वो अपने सिर को हिलाकर कहता है कि वो इन स्पेस क्रूज को देख रहा था। फिर जो थिंक होता है ना, वो अपने अजीब से गॉगल्स पहनता है एंड देखता है कि किस तरीके से उनका जो क्रू, उनकी जो ग्रुप है, वो अर्थ के स्ट्रक्चर को एंटर कर रहे हो। एंड वो नूडल को कहता है कि वॉइस कॉन्टैक्ट उनके साथ मेंटेन रखो। ये सुनने के बाद नूडल ने ओमेगा से पूछा कि तुम अपनी करंट लोकेशन बताओ, तुम आखिर हो कहाँ पर? तो उसने कहा कि हम बिना किसी इंसिडेंट के अर्थ पे पहुंच चुके हैं। और कैसे? उसने जवाब दिया, उसके गले में एक चेन पहनी हुई थी एंड उसके ऊपर एक डिस्क था जिससे वो जवाब दे रहा था, यानी कि सुन रहा था एंड बोल रहा था। वो कहता है कि हम यहाँ पर पहुँच तो गए, लेकिन हम है कहाँ पर वो एक्चुअली पता नहीं। ये एक स्क्वायर प्लेस पे, जिसे हम रूम कहते हैं, उसे वो स्क्वायर प्लेस है वहाँ पर वो बता रहा है। एंड कहता है कि मैं, आयोटा और ऊप, हम सब यहाँ पर पहुँच चुके हैं, वो भी सेफली। आयोटा कहता है कि मैंने यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ पेक्यूलियर आइटम्स देखे हैं। एंड उस आइटम को क्या कहते हैं उन्हें पता नहीं, बट वो एक्चुअल बुक्स है, ठीक है। वो कहता है कि मैं 7 गैलेक्सीज में जा चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं देखी है। पहले उसे लगा कि हेड्स हो गए, तो उसने अपने सिर के ऊपर रखा था, लेकिन वो हेड्स तो थी नहीं ना, वो तो बुक्स थी। ओमेगा को लगा था कि ये मैटर जब वो बताएगा तो फिर थिंक उससे खुश होगा, उसे शाबाशी देगा। तो ओमेगा की बात सुनकर थिंक ने कहा कि इस चीज़ को होल्ड करो ताकि मैं इसको देख सकूं, ये है क्या आखिर। तो ओमेगा ने अपनी हथेली पे उस बुक को रखा ताकि वो उसे पढ़ सके ढंग से एंड ऑडियंस भी उसे ढंग से देख सके। थिंक को लगता था जो अर्थलिंग्स, अर्थ पर रहने वाले लोग हैं, वो हर वक्त खाते रहते हैं जगह पर, तो उसे लगा कि ये जरूर एक क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड हो। ऊप ने सोचा कि अर्थलिंग्स की डाइट कितनी स्ट्रेंज, कितनी अजीब है। फिर थिंक ने कहा कि अर्थलिंग्स सैंडविच खाते, जो कि उनकी स्टेपल डाइट होती है, यानी कि मेन खाने की जो चीज़ होती है वो सैंडविच होती है। ये जो इसके ऊपर जो कवर लगे हुए वो तो ब्रेड है, एंड जो इसके अंदर फिलिंग्स हैं वो पेजेस है ना, उसको ही फिलिंग्स समझ रहा है। दैट इज ओवरऑल इस बुक को वो एक सैंडविच समझ। ओमेगा इस बात से एग्री करती है, बट थिंक ने कहा कि मेरा ओपिनियन अगर सही है उसको कन्फर्म करने के लिए तुम लोगों को इसे खाना होगा, कोई ना कोई तो इसको खाए। वो ऑर्डर देता है ओमेगा को कि तुम्हें इसे खाना होगा। ओमेगा थोड़ा सा डर जाता है, तो फिर वो कहता है कि आयोटा, तुम्हें इसे खाना होगा मार्स की ग्लोरी के लिए, मार्स के सम्मान के लिए। तुम पहले मार्सियन होंगे अर्थलिंग्स के खाने को खाने वाले। अब ये आयोटा भी डर जाता है, वो कहता है ऊप, तुम्हें ये खाना ही होगा। अब ऊप सबसे लोअर लेवल का यही था, तो फिर ये किसी और को ऑर्डर दे नहीं सकता था ना, तो फिर इस बेचारे को ना चाहते हुए भी इस बुक को खाना पड़ा, जो कि वो सैंडविच समझ रहा था ना, उसे ये खाना पड़ा। जब ऊप उसके कॉर्नर को खा रहा था, सब लोग ब्रीथलेसली उसे देख रहे थे कि कैसा इसका टेस्ट होगा। जब ऊप उसे स्वेलो करने की कोशिश कर रहा था, तो फिर उसे बहुत खांसी हो रही थी एंड सब लोग उसके पीठ के पीछे थोड़ा सा प्रेशर दे रहे, थोड़ा बहुत मार रहे थे ताकि उसके गले के नीचे वो उतर जाए। जब फाइनली ऊप ने उसको स्वेलो कर लिया, तो फिर उसने कहा कि ये अर्थलिंग्स आके इसको कैसे खा लेते बिना किसी वाटर की हेल्प से, ये तो मार्स की ड्राई डस्ट की तरह स्वाद है इसका। तो नूडल को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली एंड उसने कहा कि ये खाने की चीज़ नहीं बल्कि एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। ये बात सुनने के बाद थिंक कहता है कि अरे यही तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला था, ये एक सैंडविच कम्युनिकेशन डिवाइस है, मैं भला गलत थोड़ी ना हो सकता हूं। सब लोग उसकी बात में हाँ कहते हैं, हाँ सर आप तो गलत हो ही नहीं सकते। फिर थिंक ने उन सब लोगों को ऑर्डर कहा कि तुम सबको इसे सुनना होगा। सब लोग एक दूसरे के सामने देख रहे कि इसे सुनना होगा, कैसे सुनना होगा। थिंक फिर से गुस्सा होता है, कहता है कि तुम्हारे कानों में क्या मार्बल्स लगे हुए क्या? तो वो सब फाइनली ट्राई करते सुनने की, उन्हें पता है कुछ सुनाई देगा नहीं, लेकिन तो भी वो ट्राई। सब लोग ना चाहते हुए उसे सुनने की कोशिश कर रहे थे, वो एक दूसरे से विस्पर कर रहे थे, फुसफुसा रहे थे कि क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया? फिर उसने कहा कि नहीं। फिर एक ने फुसफुसाया नहीं बल्कि जोर से कहा, मेरे को कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा? थिंक ने कहा कि मुझे बताओ इन्फॉर्मेशन कुछ मिली क्या नहीं मिली? तो फिर ओमेगा थोड़ा जिम्मेदार था, तो उसने कहा कि सर अभी हमें करेक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं मिली है। ऐसा नहीं बोल सकता कि आपने गलत बोला, इससे कुछ सुनाई दे रहा। उसने बोला कि अभी फ्रीक्वेंसी नहीं आई, हमें सुनाई नहीं दे रहा। आयोटा को लगा कि इंसानों के पास, यानी कि अर्थलिंग्स के पास में उनसे तेज कान थे जिसकी वजह से वो उनको सुन पा रहे थे, बट ऊप को लगा कि ये सैंडविचेस से साउंड बनती ही नहीं। ओमेगा ने थिंक से माफ़ी मांगी एंड फिर से उसको सुनने लग गया। तभी नूडल कहता है कि मालिक ये जो अर्थलिंग्स होते हैं ना, ये से सुनते नहीं बल्कि इसको खोलकर पढ़ते हैं, सिंपली बोले तो इसको देखते हैं, इसको सुनते नहीं है। फिर थिंक फिर से कहता है कि ये भी मेरा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला था कि ये एक आई कम्युनिकेशन के लिए बने हुए डिवाइसेस है। एंड वो ओमेगा को ऑर्डर देता है कि इसको होल्ड करो एंड मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या कोड्स लिखे हुए हैं। फिर ओमेगा एक बुक उठाता है जो कि होती है मदर गूस, जो कि होती है नर्सरी राइम ऑफ चिल्ड्रंस। वो उसे खोलता है, एक साइड में आयोटा, दूसरे साइड में ऊप, वो दोनों उस बुक में झांकने की कोशिश करते हैं एंड वो कहता है कि सर इसके अंदर अर्थलिंग्स की पिक्चर बनी हुई है। कुछ समय ऑब्जर्व करने के बाद में आयोटा कहता है कि सर इसमें बहुत सारे कोड्स लिखे हुए हैं। थिंक कहता है कि जल्द से जल्द इसको डिकोड करो एंड मुझे बताओ। ऊप जो होता है ना, वो पिक्चर्स के पास में इतने भी थाउजेंड्स ऑफ डॉट्स, लाइन्स एंड स्क्विगल्स थे, उनको देखकर बहुत ही इंप्रेस हो जाता है। बट थिंक उसको कहता है
जल्द से जल्द इसको डिकोड करो, बिकॉज मुझे भरोसा है कि जो अर्थलिंग्स है हम मार्शियंस से ज़्यादा प्रिमिटिव नहीं है, प्रिमिटिव यानी कि पुराने नहीं है, इसके चलते हम लोग इसको जल्दी डिकोड कर लेंगे। फिर उसके बाद में किया, नूडल उसको याद दिलाता कि सर हमारे जो केमिकल डिपार्टमेंट वाले लोग हैं उन्होंने कुछ वाइटामिन दिए जिसके चलते इनकी जो इंटेलिजेंस है वो बूस्ट अप हो जाएगी। तो ओमेगा अश्योर करता कि हाँ हम सब वो वाइटामिन ले लेंगे। वो अपने बेल्ट से मेडिसिन को निकालता है एंड ले लेते हैं। उसके बाद ये सब लोग जल्द से जल्द रेडी हो जाते हैं एंड बुक को ऑब्जर्व करने लग जाते हैं। कुछ लोग एक्सक्लेम करते हैं आहा ओहो, एंड उनमें से एक तो हंसने भी लग जाता है। थोड़ी बहुत सीरियसनेस के साथ ओमेगा उसको रीड करती है। अब क्या लिखा हुआ है वो तुम यहाँ पर देख सकते हो। जो ऊप होता है ना वो तो हंसने लग जाता है कि एंड थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि किस तरीके से जो अर्थलिंग्स है वो अपने गार्डन में प्रीटी मेड्स को उगाते हैं। ये सुनने के बाद थिंक को गुस्सा आता है एंड उसे लगता है कि कैसे ये अर्थलिंग्स इतने स्मार्ट हो सकते हैं कि वो इतनी एक्सपेंसिव रेयर मेटल्स लाइक सिल्वर को ये ग्रो कर सकते हैं। एंड मे बी ये लोग तो हाई एक्सप्लोसिव्स को भी ग्रो कर लेंगे एंड हमारा इन्वेजन से बच जाए। उसके बाद वो ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द अर्थ पे इन्वेजन करो, इन्वेजन फीट के साथ कॉन्टैक्ट मेंटेन करो। नूडल कहता है कि हम तैयार है अर्थ पे राज करने के लिए। बट थिंक कहता है कि रुको, आयोटा के पास में और इन्फॉर्मेशन, वो कह रहा है कुछ। वो क्या कहता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद में ऊप हंसने लग जाता है कि किस तरीके से एक स्पून डिशेस के साथ में भाग जाती है। ये बात भी सीरियस लगे किसको, थिंक को। अब देखो ये जो चीज़ें लिखी हुई है वो है नर्सरी राइम्स, यहाँ पर पोएट्स जो कुछ भी लिखते हैं वो सेंसलेस होता है, उनका कोई सेंस होता नहीं है। लेकिन इसे लगा कि जो अर्थलिंग्स ने किताबों में लिखा वो सच होगा एंड वो ये करते होंगे, यानी कि सेंसलेस बात इसको सीरियस लगने लग गई है। सीरियस लगे तो लगे, इसको डर भी बहुत लगने लग गया है। वो कहता है अर्थलिंग्स होते हैं वो एक हायर सिविलाइजेशन बना चुके एंड उसने अपने डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को भी म्यूजिकल टेस्ट एंड कल्चर के हिसाब से उनको ढाल दिया है। साथ ही उन्होंने डॉग्स के अंदर भी एक सेंस ऑफ ह्यूमर जनरेट कर दिया एंड किसी भी टाइम एक इंटरप्लेनेटरी इन्वेजन हो सकता है विद द हेल्प ऑफ मिलियंस ऑफ काउस, जो कि मार्स पे एक अटैक होने वाला है। वो पूरा डर गया, उसने कहा कि आज कोई भी इन्वेजन, आज कोई भी आक्रमण नहीं होगा। ये तो अभी ट्रेलर था, मेन तो अभी शुरू होने वाला है। उप जो होता है वो हम्प्टी डम्प्टी, तुमने सुना होगा ना बचपन में, वो पोएम निकालता है एंड उसके कुछ फ्रेजेस उसको सुनाता है। एंड जो हम्प्टी डम्प्टी की जो पिक्चर है ना वो ऑडियंस को और थिंक को दिखाता है। ये देखते ही वो तो डर जाता है। वो कहता है कि अरे इन इंसानों ने मुझे कब देख लिया, इन लोगों ने तो मेरी पिक्चर भी बना दी, इसका मतलब कभी ना कभी तो ये मुझसे मिले होंगे। और उसे लगा कि ये जो अर्थलिंग्स हैं वो मेरे पीछे पड़े हुए एंड ये मार्स को जल्द ही कैप्चर करने के प्लान भी बना रहे। ये सुनने के बाद में वो बहुत ही डर गया एंड उसने नूडल को ऑर्डर किया कि जल्द से जल्द मेरे लिए एक स्पेस कैप्सूल बनाओ जिसके अंदर बैठकर मैं मीलों दूर चला जाऊंगा, यानी कि 100 miles अवे फ्रॉम मार्स में जाना चाहता हूँ, बचना चाहता हूँ इस अटैक से। उन्होंने ऑर्डर किया कि जल्द से जल्द तुम अपने जितने भी ट्रेसेस ऑफ विजिट है ना, यानी कि जो कुछ भी किताबें उन सबको फिर से व्यवस्थित रख दो एंड जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाओ। उसने कहा कि हम लोग अल्फा सेंचुरी जा रहे, जो कि सबसे नज़दीकी गैलेक्सी है ना, वहाँ पर ये लोग जाएंगे, जो कि 100 miles अवे फ्रॉम मार्स है, वहाँ पर वो लोग जाएंगे। तो फिर इसी के साथ ही कर्टेंस नीचे गिर जाती है एंड फिर से स्पॉटलाइट जाती है उस हिस्टोरियन के ऊपर। वो हिस्टोरियन सारे ऑडियंस को बताते कि किस तरीके से एक पुरानी बच्चों की नर्सरी राइम की किताब ने हमारे अर्थ को एक मार्सियन इन्वेजन से बचा लिया। तो 25th century में थिंक वहाँ का हेड नहीं है, बल्कि एक बहुत ही वाइज, बहुत ही वंडरफुल एक एलियन जो कि वहाँ का लीडर है, उसका नाम है नूडल। अब तुमने पूरी कहानी में नोटिस तो किया होगा ना कि दिमाग नूडल का चलता था एंड राज थिंक टैंक का। वो हिस्टोरियन बताती कि हमने इन मार्शियंस को सिखाया सैंडविच और बुक्स के बीच में डिफरेंस एंड साथ ही उन्हें पढ़ना भी हमने ही सिखाया। फिर वो कहती कि हमारे कारण ही वहाँ पर एक लाइब्रेरी, एक मॉडल लाइब्रेरी इस्टेब्लिश हुई थी इन द कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस, बट वहाँ पर एक पुरानी बुक पढ़ी हुई जिसको आज भी कोई भी मार्शियन पढ़ने से डरता है एंड उसका नाम क्या है, मदर गूस, जिसके अंदर वो सारी पोएम्स लिखी हुई थी। फाइनली वो सारे ऑडियंस के सामने झुकती है एंड चली जाती, कर्टेंस नीचे गिर जाते। सो ये ड्रामा ओवर हुआ, ये रे वर्ड मीनिंग्स। अब कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो फिर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा ज़रूर। ये बड़ा सा चैप्टर ओवर होता है, साथ ही हमारे क्लास 10th के सारे चैप्टर्स भी कंप्लीट होते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।